नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जिस वक्त सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सचिन के लिए भारत आई थी, ठीक उसी के आसपास अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई थी। इन दोनों की खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब अंजू और नसरुल्ला से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। इस राज से पर्दा किसी और ने नहीं, खुद अंजू ने ही उठाया है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में अंजू ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, तो कुछ बातें सुकून भी देती हैं। लेकिन अंजू से जुड़ी राज की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंजू एक महीने का वीजा लेकर पाकिस्तान नसरुल्ला से मिलने गई थी और वो एक से दो हफ्ते में वापस आ जाना चाहती थी। अंजू का पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से शादी का भी इरादा नहीं था। अंजू का कहना है कि पाकिस्तान जाने के बाद हालात कुछ इस तरह के बने कि उनको करीब 5 महीने रुकना पड़ा, लेकिन ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। अंजू ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि मैं नसरुल्ला से दोस्ती होने के बाद पाकिस्तान गई थी। मैं पूरी तरह कानूनी तौर पर वीजा लेकर गई थी। मैं अपने बच्चों को छोड़ कर गई थी और ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि 15 दिन के अंदर लौट आऊंगी। मेरे जाने के बाद मीडिया में इतना हल्ला मच गया कि एक अजीब सा माहौल खड़ा हो गया। इससे मैं कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई थी और फिर चीजों को देखते हुए कुछ दिन पाकिस्तान रुक जाना ही बेहतर समझा। इसके बाद मैंने शादी कर ली। अंजू ने कहा कि अगर उनकी बात मीडिया में नहीं आती और इस तरह का हल्ला ना मचता तो शायद वो नसरुल्ला से मिलकर लौट आती। फिर सीमा हैदर का भारत आना भी उसी दौरान हुआ। सीमा की वजह से मामला मुश्किल होता चला गया। दोनों देशों की मीडिया में मेरी और सीमा को मुकाबले की तरह दिखाया जाने लगा। ऐसे में मैं वहीं रुकी और नसरुल्ला से शादी कर ली। इसके बाद जब मुझे लगा कि अब जाना चाहिए तो नवंबर के महीने में लौट आई। अंजू ने पाकिस्तान में रहने के दौरान अपना जो अनुभव शेयर किया है वो भी दिलचस्प है। अंजू का कहना है कि पाकिस्तान में उनके ऊपर कोई बंदिश या दबाव नहीं था। कपड़ों को लेकर भी कोई बंदिश नहीं थी। वहां रहने के दौरान अंजू ने कभी बुर्का नहीं पहना, सिर्फ सूट पहने। 4 महीने से ज्यादा समय तक पाकिस्तान में रहने के बाद अंजू नवंबर में वापस भारत लौटी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।